चार्ज कौन, कोई तो देखता होगा पैसा या डोनेशन से कुछ तो मिलता होगा, तभी नहीं इतना सफाई। और ये देखो खजूर का पेड़ कैसे गया किराए जैसे नीचे। डब्लू बन गया क्या, ऐसे डब्लू बना रहता है ना, सीधा चला गया है ऊपर। और ये जो हम लोग खाते हैं अरवी का पत्ता वो है, लेकिन वो वाला नहीं है, दूसरा कोई होगा। इसमें लाइट भी लगी है देखो यहाँ पे। हम उस वाले दिशा पे चलते हैं घूमने के लिए। ये आ गए सर, और ये मेहंदी जो होता है ना, मेहंदी जो हाथ पे लगाया जाता है वो वाला है, उसका ये पेड़ है। ये लगाया है सब काट काट के, मतलब ऐसे कर दिया। और ये अशोक का पेड़ रहा है, नीम का पेड़ रहा, इसी में से आधा से ज़्यादा मैं पेड़ का नाम बता दूंगा। ये बैल का फूल रहा, ये नारियल का पेड़, इसका नाम नहीं जानता हूँ लेकिन जानता था, भूल गया हूँ इसका भी। और ऊपर ऐसे चल रही है सफाई, ऐसा लग मस्त लल्लंट, बहुत गर्मी होती है इसका भी नाम जानता था यार लेकिन भूल गया हूँ। बहुत बढ़िया पेड़ है, ये दवा में काम आता है, जो पिटे गुना गुना दर्द करता है जिसके। अरे ये शुरू से खतना तो लेगा यार, इतना बड़ा है ना कि इसको घूमने में बड़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन फ्री है, पैसा नहीं है। वहाँ पे फोटो खींच रहा है, पता ना कितना रुपया लगेगा मुझे नहीं पता। देखो बुला रहे, नहीं होगा सही, ये रहा है एक इधर है। तो मैं उसके सामने था, अब इधर आ गया। यार वो फील नहीं आता है ना, जो कोई जब तक कोई लेकर फोटो ना खींचे तब तक। सेल्फी से कितना खींचोगे, ये छोटा सा ब्रिज रहा जो इधर से उधर जाने के लिए नदी को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है, इससे थोड़ा और अच्छा लगता है, डेकोरेशन भी हो जाता है। डेकोरेशन मतलब बहुत अच्छा किया यार, पौधे पौधे का एक एक चीज़ इसमें है ना, जो खर हमारे यहाँ उसको बोलते हैं सब निकाल कर सब फेंक देते हैं खर, इसको बेर्रा बोलते हैं हमारे यहाँ, अभी यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, लेकिन इसको भी हमारे यहाँ फेंक देते हैं सब खेत में से निकाल कर, और नदी में भी रहेगा तो उसको भी उखाड़ कर सब करेजी और जी उसका खा जाएंगे सब, उसको सेड़की बोलते हैं सब या करेजी। और ये तो कपास का पेड़ है, इसे ही मैं बता दूंगा इसको, तो कमेंट करके बताना कपास है कि कोई दूसरा है, मुझे तो वही लग रहा था, ये कपास नहीं है, ऐसा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे स्टेडियम भी है क्रिकेट खेलने वाला, देखो इसके अंदर सबको लोग खेल रहे हैं, बाहर बॉल निकलेगी तो ठीक निकलेगी तो कोई बात नहीं, नहीं अंदर रहेगी तो अंदर ही जाए लगा क्या कि अंदर ही रहेगी बॉल। बहुत यार घूम लिया थोड़ा, कहीं बैठ कर आराम करते हैं फिर आराम कर चलेंगे। और यहाँ पे देखो यार यार कबूतर यहाँ पे नहा रहे हैं सब, देखो पानी पी रहे हैं सब, नहा रहे हैं सब, यहीं सब का डेरा है यहाँ पे। गया बोलते हैं गया टाटा बाय बाय। और एक इसका देखो, इसका देखो ऊपर ही उगी हुई है ना, खड़ा कर
रुकने के लिए बना गया, पार्किंग की जगह। मैं उस वाला गेट से आया था, आज इतने लोग इधर से आएंगे तो बढ़िया लगे। ये बांस का पेड़ है जिसे बम्बू बोलते हैं, और यहाँ पर जाओ झूला है, झूला ये भी रहा देखो। तो ये जिम करने के लिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए लगाया गया है। ये तो ठीक है, फ्री है, लेकिन इसका चार्ज कौन, कोई तो देखता होगा पैसा या डोनेशन से कुछ तो मिलता होगा, तभी नहीं इतना सफाई और व्यवस्था है ना। तो इन सब का चार्ज का पैसा कौन देगा, अब उससे मुझसे क्या मतलब कोई करे। अपने काम से मतलब है ना, घूम लिया हुआ सब, चलो अब जो देता होगा पैसा। तो यहीं से दिखा रहा था, यहाँ पिकनिक मनाया जा रहा है। उसको पता रहेगा ना तो वही बोलेगा कि पैसा कहीं से मिलता होगा ना, तो इससे क्या मतलब। सही बात है, मुझे मतलब इसी तरह कह रहा था कि अगर ये फ्री है तो पैसा नहीं मिलता होगा तो ये सफाई उफाई कैसे होगा होता होगा, हमेशा तो कचरा तो हो ही जाता होगा ना जब ये सब आ रहे हैं तो। और ये यहाँ का घास उस काटना और इसको सीधी लाइन में करना, सही ना लगे अखमुनिया। तो बारिश होता होगा तो यहाँ तक पानी से चला आता होगा, तो कोई ट्रांसफर करते हैं वैसे। देखो बन मुर्गी चारा चल रही है, खा कुछ खा रही होगी। और यहीं पे उसका पंप लगा है जो पानी दे रहा है, ये वाला एक उधर था, ये वाला है, यही दोनों थे। तो हम इस पलटी आ गए हैं, अनिल भैया हमने घूम लिया, अब बाहर निकल रहे हैं ठीक यहाँ से। फिर आप सामने हनुमान जी का मंदिर, मुझे लगता है कि यहीं से डोनेशन मिलता होगा तो ये सब होता होगा ठीक। अब इतना जानकारी लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना काम हुआ। अब चलो जो भी डोनेशन कैसे मिलता होगा, सफाई होता होगा ठीक। चलो और ये जालो लगे, लाइट वाइट सही होगा ना।